एक महिला को ऐसा पति मिला है जो महीने के 5 लाख कमाता है, दिखने में बड़ा हैंडसम भी है, बड़ा खूबसूरत है, बड़े घुंघराले बाल हैं, गोरे गाल है, गुलाबी होठ है, 5 लाख कमाता है, पर बड़ा गुस्सैल है। जब देखो तब बदतमीजी से पेश आता है अपनी पत्नी से, छोटी छोटी बात पर तू तू मैं कर लेता है बीवी से, और ये सप्ताह 2 सप्ताह में हाथ उठा देता है बीवी पर, उसके पियर वालों की हमेशा आलोचना करता रहता है। जब देखो तब पी पिवा कर घर में आता है, पर कमाता कितना है, 5 लाख रुपया महीना, और गोरा गट है। और एक महिला को ऐसा पति मिला है जो थोड़ा काला है, मतलब मेरे जैसा है, पर स्वभाव से बड़ा शांत है, पर वेतन उसका केवल 20,000 है। मैं इसका जवाब महिलाओं से चाहूंगा, महिलाएं ध्यान से सुनना। एक महिला को ऐसा पति मिला है जो कितना कमा रहा है, 5 लाख, गोरा गट, बड़ा हैंडसम, घुंघराले बाल, गुलाबी गाल, पर बड़ा गुस्सैल, बदतमीज, पत्नी का इंसल्ट करने वाला, जब देखो तक तू फजीती करने वाला, 4 लोगों के बीच अपनी बीबी के लिए तू तू मैं करने वाला, उसके पियर वाले आ जाए तो उनका अपमान करने वाला। और दूसरी महिला को ऐसा पति मिला है जो महज 20,000 रुपया महीना कमाता है, पर बहुत सम्मान से बोलता है, इज्जत से बोलता है, अपनी पत्नी को भी आप कहकर बुलाता है, उसके पियर वाले आ जाए तो उस दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर उनका सार संभाल करता, उनको घुमाने ले जाता है। अरे और तो और, पत्नी खाना बना रही हो तो बेचारा थोड़ा सा सब्जी वब्जी सुधारने में हेल्प भी कर देता है, और कभी पत्नी का सिर दुखने लग जाए तो विक्स लेकर सिर की मालिश भी कर देता है। जरा ईमानदारी से बताना, उस महिला को मिला है 5 लाख का पति, कितना, 5 लाख कमाऊ पति, गोरा है, बड़ा हैंडसम, और इस महिला को मिला है केवल 20,000 वाला पति, पर बड़ा शांत स्वभाव का, वो गुस्सैल, ये शांत, वो बदतमीज, ये प्रेम से मिठास से पेश आने वाला, वो अपमान से बोलने वाला, ये सम्मान से बोलने वाला। जरा महिलाएं एक साथ जवाब दो, पहले मैं चाहूंगा वे महिलाएं हाथ खड़ा करो जिनको लगता है 5 लाख वाला, 5 लाख के पति वाला महिला ज्यादा सुखी, जिनको लगता है 5 लाख का पति जिसको मिला है वो महिला ज्यादा सुखी। सारे पुरुष लोग इधर देखो एक बार ईमानदारी से, बैठे बैठे नहीं दिख रहा हो, खड़े होके देख लो, क्योंकि पुरुषों को हमेशा यही बैम रहता है कि मेरी बीबी को मेरे पैसों से प्यार है। गलत बात, दुनिया में कोई महिला अपने पति के पैसों से प्यार नहीं करती, किसी महिला को पति के पैसे नहीं चाहिए, उसे अपने पति का अच्छा नेचर चाहिए। अगर ऐसा है तो अब दोबारा हाथ खड़ा करा रहा हूं, अब जरा एक बात बताओ, कौन कौन महिलाएं समझती है 20,000 वाला, 20,000 इधर देखो, इधर देखो, देश के इतिहास में इतनी महिलाओं ने एक साथ हाथ कभी खड़ा नहीं किया होगा। अब भी अगर आपको अक्ल ना आए तो भगवान भी आपको नहीं दे सकता। जो लोग केवल ये सोचते हैं हम अपने धन के सहारे अपनी बीवियों, अपनी पत्नियों, अपने परिजनों, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी संतान, इन सब की जिंदगी में खुशियां घोल सकते हैं, तो मैं उनकी इस बहम को निकला देना चाहूंगा। ये उनका बहम है कि महिलाओं को, घर के लोगों को केवल आपके पैसों से प्रेम है। मेरे भाई, वे पति, वे पापा, वे भाई उतना सम्मान नहीं पाते अपने परिजनों का जो केवल पैसे के बलबूते पर अपने हर तरह की धौंस घर में चलाते रहते हैं। घर में सम्मान वे पाते हैं, भले कम कमाए या ज्यादा कमाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आखिर सबको खानी वही लून और रोटी है, दुनिया में सबको खानी वही है, सब वैसे ही जीते हैं, अमीर हो या गरीब हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी को जीने में, लगभग सबके जीने के एक जैसी व्यवस्थाएं होती है। अरे मेरे भाई, मैं मरूंगा तो भी शमशान में जलाया जाऊंगा, आप मरेंगे तो भी शमशान में जलाए जाएंगे, अमीर से अमीर आदमी मरेगा तो भी शमशान में जलाया जाएगा, गरीब से गरीब आदमी मरेगा तो भी शमशान में जलाया जाएगा। देखो भगवान की गजब व्यवस्था बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, भगवान की बड़ी गजब व्यवस्था बता रहा हूं। गरीब से गरीब आदमी जिस स्टाइल से पैदा होता है, क्या कहा मैंने, हालांकि मुझे याद नहीं है पर फिर भी बता रहा हूं, गरीब से गरीब आदमी जिस स्टाइल से पैदा होता है, अमीर से अमीर आदमी भी उसी स्टाइल से, उसी तरीके से पैदा होता है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी का बेटा पेट में अगर है, गरीब आदमी की बेटी अगर पेट में कोई है, गरीब आदमी के संतान कोई पेट में है तो वो गर्मी खा रही है। और अनिल अंबानी के पत्नी के पेट में जब टापर था तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पेट में कोई एसी फिट किया हुआ था, ऐसा तो नहीं है ना कोई एसी फिट कर रखा था, ये सब हमारी बाहर की व्यवस्था है, बाहर के टचूकले हैं। ईश्वर के द्वारा तो सबको जीवन की एक जैसी व्यवस्था दी जाती है, गरीब भी वैसे ही पैदा होता है, अमीर भी वैसे ही पैदा होता है, सबको पैदा करने के एक जैसे तरीके हैं। और जब दुनिया से जाते हैं ना तो सबके जाने के एक जैसे तरीके हैं,
आदमी अगर दुनिया में याद किया जाता है तो इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो कहाँ मरा, कैसा मरा, इसलिए याद नहीं किया जाता कि बड़ा खूबसूरत रहा। मेरे भाई, दुनिया में कितनी सुंदरियाँ आई और चली गई होंगी, अरे दुनिया में कोई उसे याद नहीं करता। दुनिया में कितने अमीर आए और चले गए होंगे, दुनिया में कोई उसे याद नहीं करता। दुनिया में कितने नेता आए और चले गए होंगे, दुनिया में कोई याद नहीं करता। आदमी अगर धरती पर याद किया जाता है तो हम ये अपने अमीरी के बलबूते नहीं, अपनी सत्ता के बलबूते नहीं, अपने वैभव के बलबूते नहीं, अपने पद और प्रतिष्ठा के बलबूते नहीं, अपने सामाजिक समीकरण के बलबूते नहीं। आदमी अगर दुनिया में याद किया जाता है तो अपने अच्छे नेचर, अपने स्वभाव, अपने मीठे जीवन से याद किया जाता है।